रायपुर शहर के क्षण बूढ़ा तालाब हेरिटेज साइट में शामिल है। सैकड़ों वर्ष पुराना है, पर अफसोस होता है इसकी गंदगी को देखकर। जलकुंभी से अटा पड़ा हुआ है। जैसे ही एंट्री करते हैं, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, पेमेंट्स का काम हो रहा है। इधर बोट क्लब ने जो है लिया हुआ है, प्राइवेट कंपनी है, उसने अपने हिस्से को तो साफ रखा हुआ है, परंतु अफसोस ये वाला हिस्सा पूरी तरह से पटा पड़ा है। सफाई की जो है कोई चिंता नहीं है, और जैसे ही बूढ़ा तालाब में एंट्री करते हैं, एक तरफ का पूरा पट चुका है। इसको देखकर कोई नहीं बोलेगा कि ये रायपुर की शान रही है। क्या इसकी सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा? क्या इसके लिए सफाई के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई बजट नहीं है? एक तरफ तो फव्वारे चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है गंदगी पसरी हुई है। जब पेमेंट के लिए जो है बजट है, इस पर काम चल रहा है, तो क्या सफाई के लिए जो है कोई बजट नहीं है? इस सफाई की तरफ कौन ध्यान देगा? मैं पुरुषोत्तम मिश्रा, पॉजिटिव इंडिया न्यूज। हाँ, आप बोलेंगे, आइए आइए हमारे साथ जो है लोकल। क्या नाम है आपका? कांग्रेस अध्यक्ष हैं? सचिव हो। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। अच्छा, कमलेश यादव। यादव जी, आपको ये गंदगी देखकर क्या लग रहा है? ये पूर्व में प्रदेश की जो सरकार थी, अभी तक इसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुकी है। पूर्व, अच्छा, अभी तो एक साल हो गया है सरकार को आए जी। इस सफाई को कितने दिन में किया जा सकता है? इस सफाई को करीब करीब लगे हुए टोटल यहाँ के जो MMP के जो कमेटी की जो टीम है, हाँ, और नगर निगम की ओर से भी की जा रही है कोशिश टोटल, पर इसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि अभी जो है फिलहाल इसकी सफाई की जा रही है। गंदगी वैसे की वैसी पसरी हुई है। और ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? बोट क्लब को दिया हुआ है, बढ़िया, उसने अपना साफ सफाई कर रहा है, वो कर रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है। बस जो ये प्राइवेट जो कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने दुकानदारी टाइप से ही जो सामने जितना भी विकसित किया है कार्य को, हाँ हाँ, उतना फिर आगे का जो है अंदर पूरा खंडहर ही पड़ा था, नगर निगम कर रही है। हमारा ये कहना है जी, सैकड़ों वर्ष पुराना तालाब है जी, अगर जो साफ सफाई नहीं हुई, ऐसे ही जलकुंभी जो है, तो ये तो मर जाएगा तालाब। इसमें मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश की सुप्रसिद्ध तालाब है जी, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी वर्ष 3 साल करीब बिताए हैं जी। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी जल्द से जल्द विकसित किया जाए। इससे पहले जो कुछ भी हुआ है, अभी इसका लोकपर्ण किए हैं महापावर जी ने जी, जो हुआ अच्छा हुआ है। समंजा मंदिर की जो सफाई करवाई गई है, उससे और अच्छा लोकप्रिय अभी लग रहा है, पहले से बेटर है। तो आपके हिसाब से ये सफाई हो जाएगी? ये हो जाएगी सर, नगर तो इनका मानना है कि ये सफाई हो जाएगी। बहुत अच्छा है, ये सफाई हो जाए। कम से कम जो है इतने तालाब मर चुके हैं रायपुर में, दम तोड़ चुके हैं, ये बूढ़ा तालाब जो है, जो रायपुर की शान है, ये बच जाएगी जी। जी ठीक है। मैं पुरुषोत्तम मिश्रा, पॉजिटिव इंडिया में जी।